सभी देशवासियों को, नगरवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी छठ व्रतियों की मनोकामनाएं छठ मैया पूर्ण करे, ऐसा मैं छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रकृति को समर्पित, जलाशयों को समर्पित, सूर्य की ऊर्जा को समर्पित यह पर्व है। पूर्ण रूप से सूर्य की ऊर्जा मनुष्य के जीवन को ऊर्जान्वित करे, इस दृष्टि से अस्ताचल सूर्य और उदय सूर्य इन दोनों को अर्घ दे करके इस पर्व को मनाया जाता है। कल उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस व्रत की समाप्ति की जाएगी। पहले दिन तो नहा खा करते हैं, जिसमें लौकी और चने की दाल का सब्जी खाते हैं और चावल, और उसके दूसरे दिन खरना करते हैं जिसमें खीर और रोटी गुड़ के खीर बनाते हैं, और तीसरे दिन जो शाम के अर्घ में डूबते सूरज का पूजा करते हैं, और अगली सुबह उगते सूरज का पूजा करेंगे और पारण करेंगे। ये छठ पर्व है, ये हमारा आज शाम का अर्घ जो है, लोग दुनिया बोलती है उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई नहीं करता है, लेकिन हमारे इसमें ये मान्यता है कि नहीं, डूबते सूरज को भी ये करना चाहिए, इसीलिए हम लोग उनका आज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और कल सुबह में फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और उसके बाद सुबह में जब भी ये आज का जो नियम था वो तो पूरा हो गया, शाम के समय में सूरज भगवान को अर्घ दिया गया, उसके बाद में अभी फिर सुबह में भी यही प्रोसेस सेम होने वाली है, और कल फिर सुबह में पूरा ये करेंगे और प्रसाद जितने लोगों को हो सकता है सब में बांटा जाएगा। छठ के त्योहार छोटी नहीं, छठ के त्योहार।